हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रईस मूवी के 12 दिनों के कलेक्शंस के बारे में। कहीं ना कहीं जो कलेक्शंस अब तक रईस मूवी के आए हैं वो 9 करोड़ तक आए हैं। अप्रोक्सीमेटली जो आंकड़े आ रहे हैं वो मैं koimovie.com के हिसाब से बता रहा हूँ। और उसके साथ ही जो टोटल हुआ है रईस का इस 9 करोड़ के बाद इस 12वें दिन में, और जो टोटल हुआ है अब तक का वो बता दो, वो हुआ है 146.46 करोड़। जी हाँ, 146.46 करोड़ ये कलेक्शन अभी तक का आ रहा है रईस मूवी का। यानी कि इसे करीबन करीबन 4 करोड़ और चाहिए 150 करोड़ का आंकड़ा पार करने में। यानी कि जो मंडे का कलेक्शन आएगा सेकेंड मंडे का, तब तक ये आराम से 150 करोड़ के पार चली जाएगी फिल्म। फिल्म अभी तक का जो रिस्पॉन्स आया, फिल्म ऑलरेडी की फिल्म साबित हो चुकी है और इसका बजट कहीं ना कहीं जो 85 करोड़ के लगभग था, तो इस हिसाब से फिल्म बढ़िया चल रही है। और देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से इसके कलेक्शंस नजर आते हैं। लेकिन अभी तक के जो कलेक्शन आया उससे आई थिंक मेकर्स बहुत ही ज्यादा खुश होंगे और शाहरुख खान खास तौर पर बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म चाहे डियर जिंदगी हो चाहे फैन हो, वो उतनी कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई थी। जरूर चली थी लेकिन उतना जो एक कलेक्शन होना चाहिए था शाहरुख खान की फिल्मों का जो अक्सर होता है वो नहीं था। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रईस बहुत अच्छी धमाल कर रही है। और हाल ही में रईस का एक गाना भी रिलीज हुआ था, हल्का हल्का, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, आपको पसंद भी आया होगा। तो फिल्म ओवरऑल अभी जो बज़ था फिल्म का जो पहले था वो अभी भी उसी तरह बज़ है और फिल्म अभी भी सिनेमाघरों पर छाई हुई है। देखते किस तरह से ये सेकेंड वीक में पूरी कमाल करती है। आपको हर एक दिन का कलेक्शन मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको कैसा लगा इसका कलेक्शन जो अभी तक हुआ है 146.46 करोड़ का, आप जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।